मल्टीप्लेक्स सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में लाने के लिए डी मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है, जिसे शॉर्ट में डीमैक्स कहते हैं। इसे डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। अगर आपने मक्स सीरीज की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चलेगा कि डीमक्स मक्स के ठीक अपोजिट ही काम करता है। जहां मक्स एक से ज्यादा डेटा को एक सिंगल लाइन आउटपुट में बदलता है, वहीं डीमक्स एक सिंगल लाइन डेटा को एक से ज्यादा अलग अलग आउटपुट में बदलता है। अगर आपने मक्स सीरीज की वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करें। एक 2n नंबर ऑफ आउटपुट डीमक्स एक सिंगल इनपुट को 2n आउटपुट में बदलता है। यहाँ 2n में n नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 1x4 डीमक्स में 2 सिलेक्ट लाइंस होती है, और इसी तरह 1x8 में 3 और 1x16 में 4 सिलेक्ट लाइंस होती है। एक 1x4 डीमक्स का इनपुट डेटा किस आउटपुट पर मिलेगा, यह डिपेंड करता है डीमक्स के सिलेक्ट लाइंस पर। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डीमक्स और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।